देखिए हम इस वक्त हैं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के निवास स्थान पर और पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है। तमाम पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं और हमें भी इनविटेशन मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन तमाम पत्रकार पहले प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने सवाल जवाब भी करेंगे। तमाम जब ये प्रेस का वार्ता कर चुके होंगे, क्योंकि रेवाड़ी विधायक जो कहें कुआं पूजन के बाद 21 जो है जून को इनके पुत्र का कुआं पूजन था और उसके बाद ये रेवाड़ी पहुंचे हैं और रेवाड़ी पहुंचे हैं एक रेवाड़ी जिले के ग्रामीण आंचल के लिए बड़ी सौगात लेकर के, और उसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सीधा एक बार इन्हीं से जानते हैं कि अब रेवाड़ी के लिए क्या तोहफा लेकर के आए हैं और जिसको लेकर के बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। पहले इन्हीं की जबानी सुनेंगे और उसके बाद हम अपने सवाल जवाब करेंगे। विधायक जी, आज आपने यहां बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पत्रकार यहां आए हुए, क्या सौगात लेकर के आए हैं रेवाड़ी के लिए? बड़ा हल्ला हो रहा है कि आपने बहुत बड़ी सौगात रेवाड़ी के जिले के लिए लाई। काफी समय से परेशानी का सबब हमारी जो रोड थी पीडब्ल्यूडी की लोगों के लिए बनी हुई थी, आए दिन हम देखते थे गड्ढे हर जगह आपको नजर आते थे, उसी वजह से हम लोगों ने करीबन 24 रोडें अपनी पीडब्ल्यूडी की भेजी थी चंडीगढ़, और वो मंजूर होकर 25 करोड़ रुपए का हमारा मंजूर होकर आ गया, उनका टेंडर फ्लोट हो गया और बहुत जल्द उनका काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 22 रोड और हमारी पीडब्ल्यूडी की जो बची हैं उनका भी हम बहुत जल्द चंडीगढ़ भेज रहे हैं, वो भी मंजूर होकर, वो भी करीबन 25 करोड़ की है। तो मुझे लगता है लोगों को जो परेशानी का सबब पीडब्ल्यूडी की रोड की वजह से होता था, आए दिन जलभराव की समस्या वहाँ पर रहती थी, उससे निजात मिलेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश रहेगी कि और भी जितनी भी समस्याएं लोगों की हैं, चाहे शहर के अंदर जलभराव की रहती है, धावड़ा के अंदर गंदे पानी की है, उस समस्या को भी जल्द दूर करने का काम हम लोग करेंगे। इससे कितना बेनिफिट लोगों को होगा? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी मुख्य रूप से कोशिश ये रहती है कि लोगों को फायदा मिल सके, और सरकार की ही अभी तरफ से ये स्कीम आई गई थी कि 25 करोड़ के रोड आप बनवा सकते हैं, और उसी के लिए हमने लोगों ने अपनी जल्द भेज कर जल्द अपना एस्टिमेट बनवा कर इसको भेज दिया और जल्द हमारे पैसे अप्रूव भी हो गए। आप देखिए हमारी जो सोच है वो सोच यही है कि लोगों को जितना ज़्यादा फायदा मिल सके, और आज जो हम देखते थे टूटी सड़कों के वजह से लोगों की गाड़ियों को नुकसान होता था, लोगों को बहुत बहुत टाइम लग जाता था एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। तो कब तक काम शुरू हो जाएगा? काम गांव के लिए ये प्रोजेक्ट पास हुआ है तकरीबन, आपको जैसा मैंने बताया 25 हमारी ये रोड है जो बहुत गांवों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, और इसके अंदर मुख्य रूप से हमारी जो मेन सड़क है जो टूटी हुई थी पूरी तरह से या जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, उसको करने का काम हम लोगों ने किया है। आपका जितनी भी आपकी कनेक्टिविटी वाली रोड है वो बनकर तैयार हो जाएंगी, और 22 रोड उसके अलावा और हम लोगों ने भेजी हैं ताकि और भी जो रोड बच गई हैं उनके ऊपर भी काम जल्द शुरू हो जाए। जहाँ तक बात आपने काम शुरू होने की करी, बहुत सारी रोडों के टेंडर छोड़ चुके हुए हैं, पर हमने अभी ये कहा है कि एक बार मानसून का जब समय निकल जाता है उसके बाद इस काम कराया जाए, क्योंकि अगर मानसून में उसको करवाया जाएगा तो बहुत जल्द वो सड़कें दोबारा टूट जाएंगे। तो ये सुना आपने विधायक जी को जो रेवाड़ी के लिए बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। जाहिर है ग्रामीण आंचल में इसको लेकर के खुशी की लहर होगी, क्योंकि ग्रामीण आंचल के लोग परेशान हैं किस तरीके से वहां सड़कों की हालत है और किस तरीके से बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, और ये कहीं ना कहीं मेहनत है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की जो ग्रामीण आंचल के लिए पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आए। 25 सड़कों का, 22 सड़कों का और प्रोजेक्ट इन्होंने जो बना रखा है वो भी पास होगा। तो जाहिर है इसी को लेकर के इन्होंने प्रेस वार्ता की और अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव करीब है और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि 21 जून को इनके पुत्र का कुआं पूजन था, तमाम कहें किस तरीके से रौनक रेवाड़ी के अंदर थी, तमाम नेता यहां पर आए हुए थे, प्रदेश भर के बहुत सारे विधायक, और उसके बाद थकावट भी कहीं ना कहीं विधायक चिरंजीव राव को थी, और आज ये बाकायदा बड़ी परियोजना लेकर के यहां पहुंचे हैं, तो इस पर राजनीति तो होगी ही होगी और राजनीति बातें भी होंगी, उसके अलावा भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर कहीं यहां से जो सांसद हैं उनकी पटौदी में रैली थी, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। जनाब, आपके कुआं पूजन के तुरंत बाद एक यहां रैली होती है, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की जो रैली हुई है, जो वहां पर सवाल उठाए गए भेदभाव के प्रदेश के साथ, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रैली से पहले कुछ उनके नेताओं ने कहा था कि रैली में भीड़ अगर नहीं हुई तो मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी जो गुटबाजी है और मुख्यमंत्री को बदलने के नाम पे भीड़ इकट्ठा करने का काम इन लोगों ने वहां पर किया, और लगातार मुझे लगता है भेदभाव का आरोप ये
हमेशा तभी क्यों लगाते हैं जब चुनाव का एक साल रह जाता है या छह महीने रह जाते हैं, इन्होंने तब ये बात क्यों नहीं वहां पर रैली के सल से करी कि एम्स जो हमारा है अगर नहीं बनेगा तो हम मुख्यमंत्री को बदलने का काम करेंगे। पर मुझे लगता है सत्ता का सुख भोगने का जो काम ये लगातार करते हैं वो साफ तौर पर नजर आता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी आप लोग आने वाले समय में देखेंगे कि जनता उसका जवाब देने का काम करेगी। जिस तरीके से कहें कि राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव वहां रैली में नहीं पहुंची, किस तरीके से देखते कहा गया बरसात की वजह से नहीं आ पाई है? देखिए आप देखिए बीजेपी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ की जनता से किए थे कि एम्स यहाँ पर बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस स्टैंड बनेंगे, नया कोई IIM आएगा, नया कोई ITI आएगा, वो तो यहाँ पर कुछ आया नहीं। बहरहाल आप लोगों ने देखा होगा टूटी सड़कों के अलावा, महंगाई की मार के अलावा, गंदगी के ढेर के अलावा, बेसहारा पशुओं के अलावा, गंदा पानी जो धावड़ा के अंदर आता है उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जहाँ तक उनकी एक नेता ने रैली से पहले ही ये कहा था कि भई अगर आपको मुख्यमंत्री को बदलना है तो रैली में भीड़ इकट्ठी की जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसने का काम भाजपा के द्वारा किया गया है। और एक जो तलक तेवर हमारे सांसद राव इंद्रजीत के हर रैली में नज़र आते हैं, उनका ना नज़र आना कहीं ना कहीं नकेल खींचने का काम बीजेपी ने किया है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी जो खुद की टिकट है वो भी संकट में आती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से उन लोगों के जो तलक तेवर हैं वो भी वहाँ पर नज़र नहीं आए। किस तरह से सुधा यादव जी को और भूपेंद्र यादव जी को लगातार सक्रिय करने का काम बीजेपी यहाँ पर कर रही है। कई नाराज नेता थे जिनका टिकट कटवा दिया गया, वो एक मंच पे आना क्या देखते हैं, बीजेपी की हताशा देखते हैं किस तरीके से? देखिए बीजेपी की जो मजबूरी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरह से उन लोगों ने पिछले चुनाव में राव नरवीर जी के टिकट कटवाने का काम उन लोगों ने किया, और भी बहुत नेता थे जिनकी टिकट उन्होंने कटवाई, अब उनको स्वयं वहां पर बुलाना ये साफ तौर पे बताता है, क्योंकि संयोजक तो वही थे, उन्होंने ही बुलाया होगा, तो अपनी जो कमजोरी है वो साफ तौर पे नजर वहां पर उनकी आ रही है कि आज वो किस तरह से कमजोर हो गए। आपको क्या लगता है मोदी का ओरा कम हो रहा है इसलिए छत्रप याद आ रहे हैं? तमाम जो अब तक मोदी कहते थे आपका वोट सिर्फ मोदी के नाम पे, और इस बार जो मोदी भी कमजोर हो रहा है और अब की बार इनके नीचे के जो लोग हैं वो भी कमजोर होने का काम कर रहे हैं। वो लोग लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहां जहां इनकी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां वहां विरोध के स्वर वहां पर इनको नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों में रैली देखी होगी अमित शाह की, वहां भी खाली कुर्सियों से उनका स्वागत किया गया, और उसी के तर्ज पे आपने राहुल गांधी जी की रैली कल की देखी जो तेलंगाना में हुई, लाखों की संख्या में वहां जो भीड़ आई वो बताती है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में भी। तो ये कहीं ना कहीं विधायक चिरंजीव राव का तल्ख तेवर है, और जिस तरीके से कर्नाटक हिमाचल के जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद तो कहें कि कांग्रेसियों में खुशी की लहर है, और उसी को लेकर के अब ये भाजपा पर आक्रामक है। लेकिन गांव का मामला है तो गांव के जो लोग जुड़े हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से जो पैसा आया है उससे कितना फायदा होगा, आपके गांव को मिला कुछ? किशनगढ़ से और जो बोरे का मालपुर की सड़क है उसके लिए टेंडर हो जाएगा अगले महीने के अंदर। हमारे जो MLA साहब है उनकी मेहनत है, ये जो जनता के बीच रहते हैं, इनका ये नहीं, इनका परिवार से ही ऐसा ही है कि कप्तान साहब भी जब पहले थे तो जनता के बीच रहते थे, ये नहीं है कि बरसात चुनाव आए और गांव के लोगों से संपर्क करे, ये हमेशा जनता के बीच रहते दुख सुख में रहते हैं। मेरा गांव बालावास जमापुर है। बालावास जमापुर से है, बकायदा कैप्टन परिवार से जुड़े हुए हैं और मानते हैं कि कैप्टन परिवार किस तरीके से ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए काम करता है। क्या आपके गांव के लिए भी ग्रांट मिली है? मैं राम अवतार गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भूडला। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक चिरंजीव राव जी का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 25 करोड़ रुपए की जो ग्रामीण PWD की जो रोडें थी, जो हमारे 2014 के पहले कार्यकाल में कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने बनाई थी, उन रोडों का यही नहीं पता था गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, उनका अब पुनः 25 करोड़ उन्होंने पास करवा कर विधायक जी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। उसी के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा विधायक जी ने मेरे खुद पर्सनल गांव में 13.5 लाख रुपए की ग्रांट अपने कोष से उन्हें उनके दिलाई है, तो उनके भी लिए मैं धन्यवाद करना। तो ये तमाम लोग धन्यवाद कर रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विधायक चिरंजीव राव की, किस तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में और भी राजनीति गरमाएगी, क्योंकि जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आएगा और राजनीति अपने परवान चढ़ती चली जाएगी, और राजनीति की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे HR News के साथ। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।